हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 7 अप्रैल 2022, क्रमांक संख्या 65, आज की कार्यपत्रिका कक्षा ए की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। पठन अभियान की वर्कशीट है, 12वां सप्ताह, विषय थीम स्वर्ण स्पर्श। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे जो बहुत अमीर था, फिर भी उसे और ज़्यादा पैसे कमाने का लालच रहता था। तो जानते हैं कि उसको अपने लालच का क्या फल मिला। यह एक बहुत ही लालची और अमीर आदमी की कहानी है जो एक दिन संयोगवश एक परी से मिला। परी ने बाल एक पेड़ की कुछ शाखाओं में फंस गए थे। उस अमीर आदमी ने सोचा कि यह मौका है और पैसे कमाने का। उसने परी से मदद की, बदले में अपनी एक इच्छा पूर्ण करने के लिए कहा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक लालची अमीर आदमी था जो बहुत ही लालची था। उसे और पैसे कमाने की इच्छा थी, जबकि उसके पास बहुत सारा धन दौलत सब कुछ था, तब भी उसे और पैसे चाहिए थे। तो एक बार संयोगवश उससे कौन मिली, परी। परी के बाल जो थे वो एक पेड़ में की शाखाओं में फंस गए थे। उस अमीर आदमी ने सोचा कि यही मौका है पैसे कमाने का, तो परी की मदद करके अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कहा। उसने कहा, मैं जिस भी वस्तु को छूं वह सोने की बन जाए। और उस परी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। वह लालची इंसान सभी पत्थरों कंकड़ों को छूकर उन्हें सोने में बदलते हुए अपनी पत्नी और बेटी को अपने नए वरदान के बारे में बताने के लिए घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसका स्वागत करने के लिए दौड़ती हुई बाहर आई। जैसे ही वह उसे अपनी गोद में लेने के लिए नीचे झुका, तो उसकी बेटी सोने की मूर्ति में बदल गई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन के बाकी दिन उस वरदान वापस लेने के लिए परी की तलाश में बिता दिए। जो यहाँ पे देखिए, राजा को जब वरदान मिल गया तो वह रास्ते भर कंकड़ पत्थर सबको छूता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ा और वह अपनी बीवी और बच्चों को, पत्नी और बेटी को बताना चाहता था यह वरदान के बारे में। जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसकी बेटी उसका स्वागत करने के लिए दौड़ती है। और देखिए यहाँ पे, जब वो अपनी बेटी को गोद में उठाने के लिए नीचे झुकता है, तो उसकी बेटी सोने की बन जाती है, सोने की मूर्ति बन जाती है। उसे अपनी इस मूर्खता पे बड़ा पछतावा होता है और वह उसका ये वरदान वापस लेने के लिए उस परी की तलाश में बिता देता है सारा जीवन, उस परी को ढूंढने में कि ये वरदान वो उसे वापस ले ले। तो कितना लालच था ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, जितना रहता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। भाग संख्या एक, बच्चों ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में अपने दोस्तों को सुनाएं। तो बच्चों यहाँ पे ये आपने जो कहानी पढ़ी, इसे अपने शब्दों में बनाकर अपने दोस्तों को सुनाएं और उन्हें बताएं कि लालच नहीं करना चाहिए, जितना होता है उसी में खुश रहना चाहिए। आगे देखते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें करेंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक और अध्यापिका को बताएं। तो यहाँ पे ये चित्र दिया है, ये दोनों बच्चे आपस में क्या बातें करेंगे, इनके संवाद को ऊंची आवाज में बोलकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए, ये बहन है और ये शायद भाई है। ये बोल रही है कि आज, अरे भैया आज हम अपने खिलौनों की एक रेस करते हैं। यहाँ पे ये पानी में अपने खिलौनों की रेस कर रहे हैं। तो इसका भाई कह रहा है, हाँ आज तो मेरी नाव ही जीतेगी, तू देख लेना तुम। तो यहाँ पे इसकी नाव है और यहाँ पे इसकी बहन का डक है। तो ये कहता है, नाव ही जीतेगी, तुम देख लेना। चलिए आगे देखते हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाएं कि लालच करना बुरी बात है। हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।
आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं बच्चों। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय।